को अरेस्ट करके फर्दर जो उसके लिंकेजेस हैं उसको उस पर भी काम करके टोटल 3 लोगों को अरेस्ट किया है और 14 वेपन रिकवर किए हैं। इंस्पेक्टर नवीन के अंडर जो स्पेशल स्टाफ की टीम है उसने काफ़ी अच्छा काम किया है और सबसे पहले एक सोनू नाम के व्यक्ति को पकड़ा उत्तम नगर के एरिया से जिसके पास से कुछ वेपन रिकवर हुए। उसके बाद उससे पूछताछ से पता चला कि ये वेपन ये मेरठ साइड से लेकर आता है और इस इंफॉर्मेशन को फर्दर डेवलप करके 2 व्यक्ति और गिरफ्तार किए गए, मोनू और कुलदीप। इसमें से मोनू जो है पहले भी आर्म्स एक्ट के केस में यूपी में इन्वॉल्व रहा है। ये दोनों जो हैं उधर मेरठ साइड में जो शुगर केन गन्ने खेत हैं वहाँ पे वेपन्स को छुपा के रखते थे और फर्दर सप्लाई करते थे। यहाँ पे वेपन्स को सोनू यहाँ के लोकल क्रिमिनल्स को कुछ रॉबर्स को यहाँ पे सप्लाई करता था और हर वेपन पे अपना वो 4-5 हज़ार रुपये प्रॉफिट कमाता था। टोटल 14 वेपन अभी रिकवर हुए हैं और 3 लाइव कार्ट्रिज रिकवर हुए हैं। द्वारका जिला में कंटिन्यूसली इलीगल वेपन्स के अगेंस्ट सख्त कार्रवाई जारी है। इस साल टोटल 114 इलीगल फायर आर्म और 223 लाइव कार्ट्रिज द्वारका जिले के अलग अलग टीम्स ने रिकवर किए हैं जिसमें हमने केसेस रजिस्टर किया है।